गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है भूगोल शिक्षण की दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री, सबसे पहले अगर हम भूगोल शिक्षण की दृश्य सामग्री देखेंगे तो दृश्य सामग्रियों में कोई सी भी किसी भी विषय की अगर दृश्य सामग्री होगी तो दृश्य सामग्री में सबसे पहले आएगी शामफट। क्या आएगा? शामफट। अब शामफट क्या होता है आपके सामने ये लगा हुआ है, ये क्या है? एक शामफट है जिसका प्रयोग शिक्षक क्यों करता है? विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए, विषय वस्तु का विकास करने के लिए। अगर हम शामपट का प्रयोग या हम शामपट की आवश्यकता जाने तो शामपट की आवश्यकता दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा पड़ती है। सबसे पहले तो पाठ का जो सार या संक्षेप में हम निष्कर्ष जो लिखते हैं उसको करने के लिए पाठ्य शामपट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, शामपट की आवश्यकता पड़ती है रेखा चित्र, चित्र, तालिकाएं आदि को प्रदर्शित करने के लिए, उसके अनुसार जानकारी सूचना प्रदान करने के लिए। अब भूगोल शिक्षण में दृश्य सामग्री में सबसे पहली है शामपट की जो सामग्री, तो शामपट का भूगोल शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम किसी विषय वस्तु को समझा रहे हैं या हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी विषय वस्तु, सपोज अगर हम ग्लोब समझा रहे हैं, ज्वार भाटा समझा रहे हैं या कोई पर्वत समझा रहे हैं, तो उसमें जब हम डायग्राम बनाएंगे किसी भी चीज का, किसी भी तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे तभी जाके वो क्या होएगा, उस विषय वस्तु को आसानी से समझा जा सकता है और उसको सीखा भी जा सकता है। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे किसी भी विषय वस्तु से संबंधित, तब तक वो विषय वस्तु आसानी से नहीं समझी जा सकती और ना ही सीखी जा सकती है। तो विषय वस्तु से संबंधित चित्र बनाना, रेखा चित्र बनाना, सारणी बनाना शामपट पर आवश्यक होता है। शामपट का अगर प्रयोग ही इसी किसी शिक्षक ने नहीं करा तो उसकी शिक्षण विधि, हम ये कह सकते हैं कि उसकी शिक्षण कला में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि शामपट का प्रयोग करना एक शिक्षक को अपने शिक्षण में आना चाहिए और शिक्षण को प्रभावशाली बनाना भी चाहिए, क्योंकि शामपट के आधार पर शिक्षण को एक शिक्षक प्रभावशाली बना सकता है। जो भूगोल शिक्षण में शामपट का प्रयोग अत्यधिक है, क्योंकि किसी भी, जैसे मैंने अभी भी कहा कि किसी भी विषय वस्तु को, सपोज मानो हम ज्वार भाटा समझा रहे हैं, लेकिन ज्वार भाटा सिर्फ हमने बोल के समझा दिया या सिर्फ हमने एक चित्र लगा दिया, उसके माध्यम से चार्ट पे चित्र बना के समझा दिया, तो भी बालक उस चीज को नहीं कहीं समझ पाएगा। अगर हम उससे चीज चित्र को बालक के सामने धीरे धीरे एक एक लाइन बनाते जाए और उसको समझाते जाए तो क्या होगा, बालक उस चीज को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उसको उस चित्र की एक एक लाइन, एक एक मीनिंग, या हम ये कह सकते हैं जो भी हम चीज उस पर अंकित कर रहे हैं उसका विषय के बारे में, उस जगह के बारे में, ये क्यों अंकित की जा रही है, इसको क्यों बनाया जा रहा है, उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। शामपट पर लिखने का तरीका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, रेखाएं सीधी होनी चाहिए शामपट पर लिखते समय, शब्दों या अक्षर में समान अंतर होना चाहिए, समान गैप होना चाहिए, ऊट पटांग या आड़ा टेढ़ा या हम ये कह सकते हैं तिरछा नहीं लिखा जाना चाहिए शामपट पर। शामपट का प्रयोग करते समय सबसे पहले शामपट की एंट्री जो होती है वो पूरी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर किया, जब एक अध्यापक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा है और कोई भी ऑफिसर या हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल भी आकर जब अगर कक्षा का निरीक्षण कर रहा है तो सबसे पहले वो शामपट पर देखेगा, एक अध्यापक को बोलते हुए नहीं रोकेगा, क्योंकि जब वो पढ़ा रहा है तो उसको नहीं रोक, एकदम से वो अध्यापक भी नहीं रोक सकता, तो प्रिंसिपल आकर भी सबसे पहले क्या देखेगा, शामपट ब्लैक बोर्ड देखेगा और ब्लैक बोर्ड पर की गई हुई एंट्री को, या हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर जितनी भी एंट्री होनी चाहिए उन सबको देखकर वो पता कर लेगा कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या नहीं पढ़ा रहा है। शामपट पर जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसका टॉपिक सबसे पहले लिखा जाता है, उसको अंडरलाइन किया जाता है, जिससे पता रहे कि हाँ विषय वस्तु इस विषय से संबंधित या ये विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है। शामपट पर बालक ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि बालकों को वो चीज अध्यापक बोल बोल कर लिखाता रहता है और बालक भी उसको लिखते रहते हैं, समझते हैं। शामपट पर लिखते समय अध्यापक
को क्या होना चाहिए, दाएं हाथ की तरफ खड़ा होना चाहिए जिससे बालकों को वो चीज आसानी से दिख सके। वह शापट पर जब भी लिखा जा रहा है तो अध्यापक उसको सही लिखे, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखे, अक्षर समान होने चाहिए, चित्र जो बना रहा है वो इस पर संक्षेप में या दिखना चाहिए, चित्र या जो अक्षर लिखे जा रहे हैं वो अक्षर ऐसे हो, इतने बड़े होने चाहिए जिससे कि जो लास्ट में कक्षा कक्ष में बालक भी बैठा है उसको भी दिख सके। ऐसे नहीं कि बहुत छोटे या बारीक अक्षर होने चाहिए कि सिर्फ आगे वाले बालकों को दिख रहे हैं, पीछे वाले बालकों को वो चीज नहीं दिख रही है। दूसरी दृश्य सामग्री है हमारी भूगोल में ही ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है? जब हम भूगोल शिक्षण का अध्ययन करा रहे हैं तो हम भूगोल शिक्षण का अध्ययन बिना ग्लोब के नहीं करा सकते हैं, क्योंकि भूगोल में ग्लोब का उतना ही महत्व है जितना कि हम ये कह सकते हैं कि एक युद्ध के मैदान में एक वीर के शस्त्र का होता है। तो भूगोल शिक्षण में ग्लोब की जब जानकारी हम देते हैं, दृश्य सामग्री देखी जा सकती है और ग्लोब के माध्यम से इसलिए आसान देखी जाती है कि ग्लोब पर पूरी पृथ्वी दर्शाई गई है। जब ग्लोब पर पूरी पृथ्वी दर्शाई गई है तो बालक उसको एक जगह पर रखकर आराम से उस चीज को, एक अध्यापक भी उस शिक्षण को समझा सकता है, विषय वस्तु को क्लियर कर सकता है कि ग्लोब की स्थिति या पृथ्वी की स्थिति कैसी है, क्योंकि ग्लोब किसका प्रतिरूप है, पृथ्वी का प्रतिरूप है कि पृथ्वी की स्थिति किस आधार पर टिकी हुई है, पृथ्वी घूमती किस तरीके से, उसकी धुरी क्या, उसका अक्ष क्या है, ग्लोब का आकार कितना होना चाहिए, इससे कौन पूरा मानचित्र होता है दुनिया का, पूरी दुनिया दर्शाई गई है। तो उस पे जब पूरी दुनिया दर्शाई गई कि ग्लोब का हम ये कह सकते हैं कि आधा भाग तो एक तरफ से दिखता है और आधा भाग पीछे की तरफ से दिखता है, तो उसको गोल गोल घुमा के कि इस तरीके से पृथ्वी घूमती रहती है, 365 दिन चक्कर लगाती है वो अपनी ही दूरी पर, और जब वो घूमती रहती है तो इस तरीके से सूर्य की जो दिशा है और ये दिन का उगना और सूरज का उगना और चंद्रमा का आना और सूरज का ढलना, तो किस तरीके से वो प्रक्रिया चलती रहती है कि जब इस सूरज, क्योंकि सूरज कभी डूबता तो है थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ पृथ्वी उसके आगे आ जाती है, और उस में क्या हो जाता है, दूसरी जगह जब दिन हो रहा होता है तो अपनी जगह यहाँ रात हो रही होती है, तो वहां पे भी सूरज तो निकला हुआ ही रहता है। तो सूर्य वो ही सारी चीजों का ज्ञान कराने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है, और ग्लोब के माध्यम से हम बालक के भूगोल शिक्षक का बालक को ग्लोब का ज्ञान आसानी से और अच्छे से करा सकता है। लेकिन ग्लोब की जानकारी उतनी शिक्षक को भी होनी चाहिए, सामने दिखती है इसलिए देखने के आधार पर बालक उसको जल्दी आत्मसात कर लेता है, जल्दी सीख सकता है, और उसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी बना सकते हैं, उसका आधा पोर्शन बन सकता है लेकिन आधा पोर्शन नहीं बनेगा क्योंकि आधा पोर्शन उसके पीछे की तरफ दिखता है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जब दृश्य सामग्री में अगर हम भूगोल शिक्षक हैं और जब उस भूगोल का अध्ययन करवा रहा है, भूगोल के किसी भी विषय वस्तु का जब अध्ययन करा रहा है, तो उस विषय वस्तु का अध्ययन कराने के लिए उसको ग्लोब की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। दिशाओं का ज्ञान करा सकता है, डिग्री का ज्ञान कराते हैं, मानक समय का ज्ञान होता है कि मानक समय किस आधार पर निर्धारित किया गया है, कोई मानचित्र हम बनाएंगे तो उसके लिए आरेख क्या होना चाहिए, नदियां किस जगह पे हैं, झीले किस जगह पे हैं, महासागर कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं, किस जगह पे कौन सा देश है या देश है, और किस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि समुद्र या समुद्र के आसपास का तटीय एरिया है, तो किस जगह पे वनस्पति क्षेत्र पाए जा रहे हैं, किस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि जंगल पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जिसके आधार पर एक साथ एक ही जगह पर पूरा अध्ययन किया जा सकता है, उस सब वो अध्ययन एक साथ एक जगह पर ग्लोब के द्वारा ही किया जा सकता है। तो यह ग्लोब का भूगोल शिक्षण में उतना ही महत्व होता है, आवश्यक होता है और दृश्य सामग्री होती है। तो आज आपको मैंने दो दृश्य सामग्री करी, शामपट और ग्लोब, इससे रिलेटेड आपके मैटर क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड सॉरी पीडीएफ में सेंड कर दी जाएंगे।